हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल दी विस्कीपीडिया। मैं हूं आपका होस्ट अमित। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर है मिस्टर मनदीप जी, जिन्होंने लास्ट वीडियो में एक कमेंट किया था कि सर प्लीज जिम बीम बर्बन विस्की का रिव्यू करिए, और मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि जो भी अब आगे वीडियो आएगी उसमें जिम बीम बर्बन जरूर आएगी। तो भाई, आज मैं करूंगा रिव्यू जिम बीम बर्बन विस्की का, बताऊंगा आपको पीने में कैसी है ये, क्या है इसकी नोजिंग, कैसा है इसका टेस्ट, और ये किस प्राइस रेंज में आ जाती है। दोस्तों, जिम बीम एक ऐसा ब्रांड है जिसको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। चाहे मैं इसका रिव्यू करूं चाहे ना करूं, इसकी जो सेल्स है वो ऑलरेडी लाखों में हो रही है और होती ही रहेगी। तो इसलिए आज मैं स्ट्रेट इसका रिव्यू करूंगा, आपको इसकी नोजिंग और टेस्ट के बारे में बताऊंगा। इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा डीप है। अगर मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊंगा तो आप थोड़ा थोड़ा बोर होना स्टार्ट हो जाओगे, क्योंकि आपको इसके ऊपर 100 से ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको जिम बीम के बारे में जानना है तो आप सिर्फ इसकी बॉटल को अच्छे से देखो, उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको पढ़ लो। सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन इन्होंने अपनी बॉटल के ऊपर ही दी है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले जब आप बॉटल का नेक देखोगे, भाई नेक मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, बिल्कुल इसको बैरल जैसा बनाया गया है, काफ़ी अच्छी एक लाइंस दी है, बैरल जैसी शेप दी है इसकी बॉटल की नेक को। उसके नीचे एक वाइट कलर का बड़ा सा लेबल आपको दिखेगा, इसको जिम बीम वाइट लेबल भी बोला जाता है क्योंकि इसका जो लेबल है ये वाइट कलर का है। उसके नीचे इन्होंने मेंशन किया है कि 1795 से ये बनना स्टार्ट हो गई थी। नीचे लिखा है केंटकी स्ट्रेट बर्बन। अब केंटकी एक रीजन है यूएसए में जहाँ पे ये बनती है, जैसे इंडिया में मैं पंजाब से हूँ, पंजाब एक रीजन है, वैसे ही केंटकी एक रीजन है यूएसए में जहाँ पे ये बनती है। राइट हैंड साइड पे इन्होंने अपनी पूरी फैमिली की लेगेसी लिखी हुई है कि कैसे कैसे किसने किस टाइम में इसको संभाला है। तो अगर आपको ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप इसको एक बार देख सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी, कहीं भी आपको गूगल करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल जो इसको कंपनी हैंडल कर रही है ये है बीम संटोरी ग्रुप, और बीम संटोरी ग्रुप का तो आपको पता ही है कि वो अपनी वर्ल्ड क्लास विस्की के कारण जानी जाती है। इसमें आपको जो अल्कोहल स्ट्रेंथ मिलेगी ये 42.8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मिलेगी, और इसकी जो बॉटलिंग है ये अभी इंडिया में हो रही है, बाहर से ही इसकी बॉटलिंग होके नहीं आती। ये जो बॉटल मेरे पास है इसकी बॉटलिंग राजस्थान में हुई है, और ये पंजाब में आपको मिल जाएगी 1500 से लेके 1700 की, और चंडीगढ़ से आपको मिल जाएगी 1100 से 1200 की। मुझे ये पड़ी है 1150 की, और ये मैंने चंडीगढ़ से बॉटल बाय की थी। थोड़ा सा और मैं इसके बारे में आपको शेयर कर देता हूँ। दोस्तों, इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया गया है वो है कॉर्न। जी हाँ, मक्की का दाना, यही मेन इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ किया गया है, और एज़ पर लॉ इसमें 51% मिनिमम कॉर्न का यूज़ किया होना चाहिए, और कंपनी ने किया भी है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा रेशियो इसमें रखी है, और इसको मिनिमम 4 साल के लिए बैरल्स में मैच्योर किया गया है, और ये अमेरिकन ओक बैरल्स में, फ्रेश अमेरिकन ओक बैरल्स में मैच्योर करवाई गई है, जिसको अंदर से पहले जलाया जाता है और उसके बाद उसमें विस्की को डाला जाता है मैच्योर होने के लिए। तो मेरे हिसाब से इतनी ही एक विस्की लवर के लिए इन्फॉर्मेशन इनफ होगी कि इसमें क्या कुछ पड़ा है, कैसे ये बनती है, कितनी इसकी अल्कोहल स्ट्रेंथ है, और क्या इसका प्राइस है। ज़्यादा डीप में जाऊंगा तो सच में यार मैं भी बोर हो जाता हूं और आप भी बोर हो जाओगे। तो अब जल्दी से इसको पोर करता हूं, करते हैं इसकी नोजिंग और टेस्ट। तो चलिए गाइस, ओपन करते हैं अपनी बॉटल को। पहले इसका कलर देख लेते हैं, कलर कैसा है। इसमें एडिट कलर्स डाले गए हैं, ये इसका नेचुरल कलर नहीं है। और दोस्तों, इसका कलर बिल्कुल एक गोल्डन कलर है, गोल्डनिश कलर है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसकी लेग्स देख लेता हूं मैं कि लेग्स कैसे बन रही हैं। ये एक मीडियम बॉडीड विस्की है, इसकी जो लेग्स हैं ये आराम आराम से नीचे आ रही हैं, बहुत ज़्यादा थिक लेग्स नहीं है इसकी। अब जल्दी से इसकी नोजिंग करते हैं। चीयर्स।
बाई वेरी स्वीट ऑन नोजिंग, जैसे ही आप इसको नोज करोगे एक मिठास इसमें, एक मीठापन, एक सिरप जैसा मीठापन आपको इसमें मिलेगा। बिल्कुल भी हार्श नहीं है पैलेट के ऊपर, मुझे सिर्फ एक शुगरी सिरप जैसा एक मीठापन इसमें आ रहा है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। नोजिंग में ही पता लग रहा है कि इसका जो टेस्ट है थोड़ा स्वीटर साइड पे होगा। तो अब जल्दी से इसका टेस्ट करते हैं। चीयर्स। जैसे ही आप इसको नीट पियोगे भाई, मुझे सबसे पहले एक स्पाइसीनेस इसमें मिल रही है, हल्का हल्का स्पाइसी फ्लेवर मिल रहा है, लेकिन उसके बाद जैसे ही ये टंग से नीचे जाती है एक मिठास, एक मीठापन इसमें आना स्टार्ट हो जाता है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी एक अच्छी माउथ फील दे रही है ये। कॉर्न्स का काफ़ी अच्छा टेस्ट इसमें आ रहा है और एक शुगरी सिरप जैसा टेस्ट मुझे इसमें मिल रहा है। नीट पीने में काफ़ी इजीली मैं इसको पी रहा हूँ, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। हल्का सा इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगा, थोड़ा सा इसकी अल्कोहल स्ट्रेंथ को मैं डाउन करूँगा और फिर से इसका टेस्ट करूँगा। दोस्तों थोड़ा सा मैंने इसमें वाटर ऐड किया है, तो अब दोबारा से इसका टेस्ट करता हूँ। चीयर्स। भाई बहुत ही बढ़िया, काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है। अब मुझे हल्के हल्के रेड एप्पल्स जैसा टेस्ट इसमें मिल रहा है और भाई कॉर्न्स का बहुत ही प्यारा टेस्ट इसमें आ रहा है। मैं बोलूँगा कि आप इसको नीट छोड़ के किसी के साथ मिक्स करके पियो, बहुत ही प्यारा टेस्ट उभर के बाहर आएगा, आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। जिस प्राइस रेंज में मुझे ये मिली है 1150 में, या फिर जिस प्राइस रेंज में ये पंजाब में अवेलेबल है 1500 से लेके 1700 की, उस प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छी बर्बन विस्की है, आप इसको ज़रूर ट्राई करो। आज जो मैं इसको रेटिंग दूंगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट प्राइस एंड क्वालिटी, भाई वो दूंगा 8.7 out of 10। मुझे पीने में काफ़ी अच्छी लगी, आपको पीने में कैसी लगती है प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, चल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, टिल देन चीयर्स, पियो जियो।